अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है गाइस। आज जो हमारे दो छुटकू छुटकी थे, हमारी जो बेबी डक थे, उनमें से आज एक हमारी बेबी डक मर गई है। कल लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वाइट वाला छुटकू था वो बीमार हो गया था थोड़ा ना, तो वो मर गया। अब्दुल्ला लेके आओ यार, बाहर लेके आओ। और मैंने भी निकाल कर ऊपर रखा है, बहुत अफसोस हो रहा है। पहले हमारे दो रैबिट ही मर गए थे, वो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में दिखाए थे। एक रैबिट पहले हमारा मैक्स रूबी तो हमारी मर गई थी, लेकिन मैक्स हमारा कल मर गया था और आज हमारी बेबी डक मर गई। देखिए दिखाओ बेचारा। देखिए मैं आपको नीचे रख के दिखाता हूँ। हाँ, ये इसका जो ये डोरा ने किया है इसके साथ ना, इसके ऊपर डोरा ना कल दो तीन दफ़ा चढ़ा है और उसकी वजह से ना ये जो हमारा बेबी डक है छुटकू हमारा ये नहीं बचा, ये मर गया। कल मैंने आपको बताया था ना ब्लॉग में नहीं लाइव स्ट्रीम में कि इसकी तबीयत ख़राब थी और हमने ठंडा दूध वगैरह भी हल्दी पिलाई थी। और उसके अलावा ना जो हमारा वो था मैक्स, वो भी मर गया पहली। उसको तो इधर हमने रखा था, आपको मैंने दिखाना भी था, इधर रखा था। वो बिल्ली वगैरह कोई आई है, वो उसको उठा के लेगी। हमने दफनाना था उसको, अभी इसको भी दफना देंगे। ये जो है हमारा, इसको अंदर ही रख दो अभी। बाकी सारे जानवर दाना खाने आएंगे, हाँ और बदखे ले आएंगे। और हाँ, अभी मेरा कज़न है पैट से रहा, उसका चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके भी ना बत्तख के बच्चे निकले हैं, तो उनसे भी इंशाल्लाह बात कर लेंगे। उसने बेचने वगैरह हुए देने हुए तो उसे भी देख लेंगे। बाकी बेंटम ने अंडा दे दिया आज। कितने अंडे हो गए हैं बेंटम के? 5 अंडे हो गए हैं बेंटम के, अभी एक अंडा दिया है। बाकी सारे जानवर ना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, चूज़े भी हमारे ठीक हैं। और आज मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, चूज़े को बाहर निकालो, ये बड़े वाले को, वाइट वाले को, सबसे बड़ा है। हाँ सबसे बड़ा है, निकाल नहीं चलाने देते सोने से, लेकिन उसको निकाल निकाल दे आराम से, आराम से आराम से आराम से ला दे दे दे। ये देखें, ये जो हमारा चूज़े है ना, आराम से आराम से, ये जो हमारा सील चूज़ा है, ये आज आप लोग एक दफ़ा देख लें अच्छे से ना, इसके आप बाल वगैरह देख लें। और अब ना मैं आप लोगों ने इसको ना 10 दिन से पहले अपने जो चूज़े हैं ना उनमें से कोई भी नहीं दिखाऊंगा, इसके आप बाल देख लें कैसे हैं। और 10 दिन बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना इसको दिखाऊंगा, 10 नहीं तो कम से कम हफ्ते बाद। अभी देखें इसके ना ये पर निकलना शुरू हो गए हैं, फिर आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कैसा प्यारा बनेगा। तकरीबन 7-10 दिन बाद आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, तो आज इसे आप लोग देख लें, फिर नहीं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये 10 दिन बाद इंशाल्लाह। फिर पकड़ो अपना पकड़ो, तब तक इसके बाल भी अच्छे तरीके से आ जाएंगे। हाँ तब तक इसके बाल आ जाएंगे, इसलिए एक भाई आप लोगों को अच्छा लगे। जी 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 मुर्गा बनेगा, नहीं नहीं सर्दी है आज, नहीं जानवरों के लिए सर्दी है आज, दाना हाँ हाँ आपका ही होगा। जानवरों को सारे ना दाना वगैरह डाल दिया है आज, जानवरों आप लोगों ना सारे ना पिंजरे के अंदर से दिखा देता हूँ, बाहर नहीं निकालता आज। ये हमारी सोना चांदी और डोरा बेला आ गए, ये डोरा गंदा बच्चा बड़ा है, डोरा ने हमारे छुटकू को मार दिया है। कल ना ये दो दफ़ा उसके ऊपर चढ़ा है और हमने इसको मतलब कि हटाया दिया है, और हमने ना दोनों बच्चों को उठा के ना उसके अंदर रख दिया था। हाँ इसने मार दिया उसे, दो तीन दफ़ा चढ़ा है, तो हमने ना अलग कर दिया था दोनों बच्चों को, जो काली वाली थी छुटकू छुटकी हमारे दोनों को ना मैंने अलग कर दिया था। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे असील सारे, इनको नहीं अभी खोलना, किसी को भी नहीं खोलना अभी, ये तार एक साइड पे कर देते हैं, ये इन्होंने लग सकती है। ये देखो एक तो ये है, एक ये तार है, इसको भी हटाते हैं ना बाहर निकाल देते। ये देखें तार है, तार इन्हें लग सकती थी, इसलिए मैंने बाहर की तरफ उसका ना मुँह करके मोड़ दिया ऐसे। क्या हाँ इसको इसको पहले एक बार दिखा देते हैं, हमारी जो छुटकी है ऐसे दिखा देते हैं। उसका भाई मर गया, पकड़ ले नीचे गिर जाएगी हमें, जरा सी बची है अभी ये, उसके बाद चलेगा। बस बाकी सारे जानवरों को इससे मिलवा देते हैं एक दफ़ा, जो हमारी छुटकू से सारे जानवरों को मिला देते हैं कि छुटकू हमें छोड़ के चला गया, दोबारा ये नहीं आएगा वापस ना। सारों को दिखा देते हैं, पहले टर्कियों को दिखा देते हैं, टर्कियों शुरू कर देते हैं। टर्की बर्ड देख लो ये, ओए टर्की तो अटैक कर रहे हैं, देख लो टर्की बर्ड देख लो अच्छे से, मर गया ये, आइंदा नहीं आएगा, आइंदा आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। आखिरी दफ़ा देख लो सारे से, तुम भी देख लो, इनके माँ बाप मार दिया तुम लोगों ने इसे, मिल लो इससे, अब्दुल्ला एक सब मिलवा ही देते हैं, दादा खोलो हाँ देखते हैं क्या करते हैं। कितनी आने का नहीं जाना, मार नहीं रहा, प्यार कर रहा है, हाँ ये मारने की कोशिश करता है। ये देखा ये फिर से वो करता है, उसको उसके साथ अब उसको पकड़ रहे। तो अब मुर्गों से मिलवाए थे आप लोग जरा साइड पे हो, वो अंडा उठा यार,
ये देखें इनसे, इनको इनसे ही मिलवा देते हैं ये लो। मैंने कहा सारे जानवर से मिलवा देना एक दफ़ा के मर गया ये कभी वापस नहीं आएगा दोबारा ना, सेटअप है हमारे। आखिरी फैसला आप भी आखिरी देख लेते पकड़ लिया। बाकी अब देसी चिकन से दिखा देते हैं, देख लो सारे, देख लो सारे, देख लो सील बैंटम आप लोग भी देख लो सारे, पकड़ना बुला। बस अब ये मर गए, इसको रख देते हैं अभी साइड पे, अभी व्लॉग में बंद करके ना रखो, बोला इसको साइड पे ही रख दो, ऊपर ही रख दो, फिर अभी व्लॉग में करके ना एंड करके फिर इसको नीचे जाके दफनाते हैं। फिर क्या हुआ उंगली पे काट लिया आपकी, उंगली पे काट लिया मार के। हमारे ना दो दिन में दो एनिमल्स मर गए, छोटे एनिमल्स ही मरे हैं, लेकिन खरगोश का इतना सोच नहीं हुआ मुझे जितना मुझे छोटकू का हुआ, क्योंकि छोटकू से हमें बहुत प्यार था, बिल्कुल छोटे छोटे, हम आपको याद है कितने कितने लेके आए थे, बिल्कुल न्यू बॉर्न थे ये जब इन्हें हम लेके आए थे, और छुटकू आज हमें छोड़ के चला गया। चार लेके आए थे, उसमें दो तो उसी वक्त ही मर गए थे, मतलब कि दो तीन दिन में आप लोगों को याद होगा मर गए थे, और ये दो ही बचे थे, उनमें से अब एक बेचारा अकेला हो गया, उसके लिए लेके आएंगे बहुत छोटे बच्चे ना, क्योंकि उसका अकेले दिल नहीं लगेगा, वो इतना जिस तरह हमारा खरगोश मर गया था उसका पास में नहीं आया था, तो इसके लिए बिना लेके आते हैं। और छोटी बतखों के छोटी, हाँ छोटी बतखों के बच्चे ना, इसके इससे छोटे या फिर इसके जितने मिल जाए तो देख लेते हैं। वैसे मार्केट में नज़र नहीं आते ज़्यादा छोटी छोटी, हाँ मार्केट में छोटी बतखें मुश्किल से ही मिलती हैं, हम लोग क्विंटल मार्केट में ढूंढ ढूंढ के काफ़ी ज़्यादा मिले थे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करूँगा अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देगा, और हमारे चैनल देसी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है जिसके लिए इंतज़ार करेंगे, अच्छा सरप्राइज़ है।